जय हिंद दोस्तों, मैं गीता हूँ। आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी पुलिस में निकली बंपर भर्तियां, रसोई गैस पर नहीं मिल रही है सब्सिडी तो जल्द करेंगे काम। अब 13 दिन तक बंद रहेगी बैंक। प्री बोर्ड व प्रायोगिक परीक्षा न करवाने वाले स्कूलों के लिए राहत भरी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ डाला वोट। इन कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी पुलिस में निकली बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अगर अभी तक आपने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द कर लें। आपको बता दें, आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 1,12,400 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। रसोई गैस पर अगर नहीं मिल रही है सब्सिडी तो करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको सचेत हो जाने की ज़रूरत है। इसकी वजह आपके LPG कनेक्शन का आधार से लिंक ना होना हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने LPG को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने LPG को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। अब 13 दिन तक बंद रहेगी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने मार्च में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्यौहार पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई ज़रूरी काम है तो आपके लिए यह खबर काम की है। दरअसल मार्च में बैंक कुल 13 दिन तक बंद रहेगा। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। प्री बोर्ड एवं प्रायोगिक परीक्षा न करवा रहे स्कूलों के लिए राहत भरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अब तक प्री बोर्ड की लिखित व प्रायोगिक परीक्षा न कराने वाले स्कूलों को राहत देते हुए यूपी बोर्ड ने सभी स्कूलों को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह स्कूलों को मार्च के द्वितीय सप्ताह तक कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं हर हाल में कराने होंगे, जिससे बोर्ड की वेबसाइट पर प्री बोर्ड की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक मार्च के द्वितीय सप्ताह तथा कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक मार्च के तृतीय सप्ताह तक अपलोड हो सके। इससे स्कूल के साथ ही छात्र व छात्राओं को भी काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ डाला वोट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस दौरान सपा अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ जसवंत नगर में मतदान किया। मतदान के बाद अखिलेश ने CM योगी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है, यूपी में किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। इन कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने का विचार किया जा रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी सातवीं बड़ी खबर की ओर। BHU के छात्रों ने ऑफलाइन क्लासेस का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हाइब्रिड मोड के क्लास और OBE एग्जाम कराने की मांग को लेकर पूरी तरह से ऑफलाइन क्लास कराने के विरोध में हैं। इसके लिए पिछले कई घंटों से BHU के छात्र कुलपति आवास के सामने लगातार धरना दे रहे हैं। BHU प्रशासन ने अभी इसे लेकर कोई प्रक्रिया नहीं दी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। अब नौकरी पेशा करने वाले अभ्यर्थी भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शोध की पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2022 से पार्ट टाइम PhD को लेकर सहमति बन गई है। UGC के ऑर्डिनेंस के अनुसार PhD प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है। 24 फरवरी को इस पर कार्य परिषद की भी मोहर लग जाएगी।
पीएचडी में विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पहली बार पार्ट टाइम पीएचडी की सुविधा दी जा रही है, जिसमें नौकरी पेशा अभ्यर्थियों को भी शोध करने का मौका मिल सकेगा, जो किसी कारण से शोध नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी नौवीं बड़ी खबर की ओर। NER की 4 ट्रेनें निरस्त, अब बदले रूट से चलेंगी दर्जनों ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित एसबाग स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। यह स्टेशन सैटेलाइट के रूप में विकसित हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते 24 से 27 फरवरी तक गोरखपुर एसबाग सहित विभिन्न तिथियों में 4 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दसवीं अंतिम बड़ी खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव में कानपुर की प्रमिला पांडे एक बार फिर सुर्खियों में। जी हां दोस्तों, मतदान कक्ष के अंदर वोट करते हुए फोटो खींचकर वायरल करने पर मेयर प्रमिला पांडे समेत 3 लोगों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।